प्रीवियस वीडियो में जो हमने वाटर सोलूबल वाइटामिन फैट सोल वाइटामिन कवर किए थे आज की वीडियो में हम उनके प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन।, वन है हमारा आइसक्रीम इज एन विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी एंड विटामिन डी जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑल आर करेक्ट ए एंड डी आर करेक्ट ए एंड बी आर करेक्ट बी एंड आर करेक्ट। तो जो आइसक्रीम है उसके अंदर सारे वाइटामिन तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए तो जो मतलब आइसक्रीम है उसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है विटामिन बी भी प्रेजेंट होता है विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है और विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू सी हमने देखा था जो वाइटामिन बी थ्री है उसका जो साइंटिफिक नाम है वो है नियासिन तो हमने उसके अंदर देखा था जो वाइटामिन बी थ्री है उसको हम निकोटिनिक एसिड और निकोटिना अमाइड भी लिख सकते हैं तो जो ऑप्शन है वो है बेरी बेरी मार्समस पेलीग्रा और एनीमिया तो जो विटामिन बी थ्री या फिर निकोटिनिक एसिड की वजह से जो डिजीज कोज होती है वो है पैलेग्रा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है अब हम देखते हैं मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। तो जो लिस्ट वन है उसके अंदर दिए गए हैं विटामिन सी विटामिन बी ट्वेल्व वाइटामिन बी सिक्स और विटामिन बी वन और जो लिस्ट टू है उसके अंदर दिए गए हैं साइनोकोबेलामाइन थायामिन एस्कोर्बिक एसिड पायरिडोक्सिड मतलब इसके अंदर हमें जो विटामिन है उनके नाम दिए गए हैं अब हमें उनको मैच करना है लिस्ट टू में उनके केमिकल नेम से। तो हमने पढ़ा था जो विटामिन सी है उसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कोर्बिक एसिड और जो विटामिन बी ट्वेल्व है उसका जो का, उसका जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबेलाइन विटामिन बी सिक्स को हम पायरीडोक्सिन बोलते हैं और जो विटामिन बी वन है उसको हम थायमिन बोलते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ऑप्शन हैं विटामिन ए विटामिन बी विटामिन डी नन ऑफ द अबोव तो जो विटामिन डी है वो विटामिन सिंथेसाइज होता है इन द ह्यूमन बॉडी तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा सही आंसर है अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थिटी इज कोज ड्यू टू फॉलोइंग वैटामिन मतलब कौन सा विटामिन रिस्पांसिबल है फॉर द स्टीलिटी मतलब किस विटामिन की कमी से स्टीलिटी कोज होती है तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के और तो जब हमने वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कवर किए थे तब हमने पढ़े थे कि जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन उनके अंदर तो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर तो ये कोई एंजाइम सॉरी प्रेजेंट नहीं था जब हमने फैट सोल्यूबल वाइटाम कवर किए तब हमने पढ़े थे वाइटामिन ई वाइटामिन एटामिन डी वैटामिन ई और वैटामिन के तो हमने पढ़ा था जो विटामिन ई है वह रिस्पॉन्सिबल है फॉर तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तो जो विटामिन ई है वो फॉर द दिलिटी क्वेश्चन नंबर सिक्स द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूट हाउ मेनी वाइटामिन मतलब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कितने वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन है एट टेन 12, 16. तो जब हमने विटामिन्स कवर किए, तब हमने देखा था जो विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आठ विटामिन्स प्रेजेंट हैं। विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्थ। तो इसका जो आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर वन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आठ विटामिन प्रेजेंट होते हैं अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ऑल आर साइंस ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी एक्सेप्ट तो जो नियासिन है वो है विटामिन बी थ्री जब हमने विटामिन बी थ्री पढ़ा तब हमने देखा था जो नियासिन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेलेग्रा डायरिया डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस तो जो नियासिन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिजीज डायरिया डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है ऑल आर साइंस ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी एक्सेप्ट मतलब ये जो तीन है ये तो साइन है नियासिन डेफिशिएंसी के जो बचा हुआ है वो नहीं है मतलब एक को छोड़ के जो हेयर लॉस है वो कोज होता है बाय द हेल्प ऑफ विटामिन बी सेवन जिसका केमिकल नेम है बायोटिन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट थायमिन डेफिशिएंसी लीड्स टू थायमिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है ऑप्शन है बेरी बेरी पेलेग्रह स्कर्बी और नाइट ब्लाइंडनेस तो हमने देखा जो पेलेग्रा है वो कोज होता है विटामिन बी थ्री से सकर भी है वो कोज होता है वाइटामिन सी से नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो एंजाइम डिस्पो सॉरी जो वाइटामिन डिस्पोसिबल है वो है वाइटामिन ए तो जो थायमिन है उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो है बेरी बेरी क्वेश्चन नंबर नाइन बायोटिन इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन जो बायोटिन है वो किस टाइप की रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ऑप्शन है डिहाइड्रेशन कार्बोक्सीन हाइड्रोजाइलेशन और डी तो जो बायोटिन है वो कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट right आंसर है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना